नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूँ। ये जो साल है 2022, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर इज अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ BAMS कोर्स। आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उनके जो सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत फर्क गिर चुका है इस साल में। तो जो एडमिशन्स अभी हो रहे हैं और आगे चलेंगे 5 साल तक, ये डिफरेंट सिलेबस हैं, तो उसकी जानकारी हम ले 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 रहे हैं कुछ वीडियो के द्वारा। एक एक सब्जेक्ट हम पूरा कर रहे हैं। तो अभी आज चर्चा करेंगे क्रिया शरीर प्रैक्टिकल, मतलब प्रत्यक्ष के बारे में। ये जो सिलेबस बनाया है वो बाय NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें आयुर्वेद आता है, यूनानी आता है, सिद्ध आता है। तो हम आयुर्वेद के स्टूडेंट्स आयुर्वेद के बारे में जब ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलो चालू करते हैं आज का प्रात्यक्षिक के बारे में। तो पहले ये देखिए, कोर्स करिकुलम फॉर द फर्स्ट प्रोफेशनल BAMS। अभी आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर BAMS ओनली फॉर 1.5 साल तक है, सेकेंड ईयर BAMS 1.5 साल, थर्ड ईयर BAMS 1.5 साल, तो पूरा हो गया 4.5 ईयर्स, देन 1 ईयर इंटर्नशिप। ओके, सो क्रिया शरीर मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी एप्लीकेबल दिस सिलेबस। अभ्यासक्रम जो है 2021-22 बैच ऑनवर्ड्स फॉर 5 ईयर्स और अंटिल फर्दर नोटिफिकेशन बाय NCISM, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये देखिए समरी लिखा है यहां पर, लेक्चर्स आवर थ्योरी पेपर 1, पेपर 2, देन नॉन लेक्चर आवर्स, इसके भी बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, नॉन लेक्चर आवर्स फॉर प्रैक्टिकल्स। बट अभी हम बात कर रहे हैं परीक्षा के बारे में, जो एग्जाम रहेंगी पेपर 1, पेपर 2, थ्योरी पेपर्स, ईच 100 मार्क्स। उसके वीडियोज में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, डिस्कशन किया है अच्छी तरह से हिंदी इंग्लिश में, और ये है टोटल 200 मार्क्स। प्रैक्टिकल आज मैं जो बताने वाला हूँ उसके कंपोनेंट्स हैं। प्रैक्टिकल के लिए करने के लिए आपको आयुर्वेद प्रैक्टिकल्स रहेंगे, मॉडर्न हिमाटोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स रहेंगे, यूरिन के प्रैक्टिकल्स रहेंगे, तो उसके लिए 100 मार्क्स हैं। ओरल जो देंगे वाइवा, उसके 70 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट RA 30 मार्क्स, तो टोटल 200 मार्क्स, थेरी 200, प्रैक्टिकल 200, टोटल मिल गए 400 मार्क्स का। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली चलेंगे कि प्रैक्टिकल का जो बताया गया सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो मैं आपको ले चलता हूं पेज नंबर 52, ये देखिए आ गया, इसके ऊपर लिखा है ये प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं। कौन से मार्क्स 100 के लिए, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कितने, देखिए टोटल है करीबन 23। ओके, देखिए धातु सारता परीक्षण, परीक्षण का मतलब है एग्जामिनेशन। ठीक है, यह धातु सारता, धातु का मतलब है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार के बॉडी टिश्यूज हैं, उनकी क्वालिटी डिटरमाइन करनी है। ये कैसे है धातु, मेरा रक्त धातु कैसा है, मेरा हीमोग्लोबिन कैसा है, उसके लिए कुछ लक्षण बताए हैं। कुछ लक्षण के द्वारा दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, ये 3 नाम याद करिए, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। दर्शन का मतलब है देखना, इंस्पेक्शन, हमारी आई के द्वारा देखना। स्पर्शन का मतलब है टच करना, पेशेंट को टच करना, व्यक्ति को स्पर्श करना, उसमें पाल्पेशन, पर्कशन आ जाता है, ऑस्कल्टेशन भी आ जाता है, और प्रश्न परीक्षा, इंटरोगेशन। तो दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न के द्वारा आयुर्वेद डॉक्टर्स हमेशा परीक्षण करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। तो धातु का मतलब रस सारता 3 प्रकार की रहेगी, उत्तम सारता, बेस्ट क्वालिटी टिश्यू, मध्यम सारता, मीडियम क्वालिटी टिश्यू, और हीन सारता, लो क्वालिटी, पुअर क्वालिटी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता, समझने के लिए आसान है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितना रहता है, 14 to 16 ग्राम परसेंट, है ना? तो ये जो 10 से करीबन आ गया, 7 to 10 ग्राम परसेंट हीमोग्लोबिन हो गया, तो आयुर्वेद के हिसाब से हम बोलेंगे मध्यम सारता रक्त धातु है, और ये हीमोग्लोबिन 5 से नीचे चला गया, हाँ,
6 ग्राम परसेंट, 5 ग्राम परसेंट, 4 ग्राम परसेंट, कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हीनसारता, लो क्वालिटी टिश्यू। ये परीक्षण किस लिए उपयुक्त है? हमारी प्रैक्टिस में भी हम जानते हैं कि हमारे जो दोष हैं वात पित्त कफ, वो रस रक्त मांसमेह के द्वारा उसका कार्य बनाते हैं। तो दोष के लिए, दोष एक्शन के लिए, बायो एनर्जीज के लिए जो माध्यम है वो धातु है, बॉडी टिश्यू है, ठीक है, उसका परीक्षण अभी करना है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, जो साधन इस्तेमाल करते हैं वो स्पॉटिंग के लिए रखे जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ब्लड कलेक्शन, कैसे ले जाता है ब्लड, उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। आपको खुद को, उस स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन की जांच करनी पड़ेगी, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉर्मली दिस इज रिलेटेड विथ एनीमिया, जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आयुर्वेद के हिसाब से उसको पांडु व्याधि बोलते हैं, मॉडर्न में एनीमिया कहते हैं। द मोस्ट कॉमन एनीमिया इन इंडियन पॉपुलेशन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लोह की कमतरता से वो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, शरीर के बाहर जब खून निकलता है तो कुछ मिनटों के बाद वो रुकना चाहिए, उसका स्त्रावण बंद होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा वो रक्त निकल रहा है तो उसको ब्लीडिंग डिसक्रेसियाज बोलते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। नॉर्मली ब्लीडिंग टाइम कितना रहता है, 2 to 5 minutes, और क्लॉटिंग टाइम कितना रहता है, 5 to 10 minutes। वो आपको परीक्षण बताया जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। ये सब के मेरे YouTube चैनल में, आयुर्वेदा एकेडमी YouTube चैनल में ये जो प्रैक्टिकल्स हैं वो वीडियो बनाकर मैं डाल चुका हूं। मैं प्राध्यापक था आयुर्वेद कॉलेज निगड़ी प्राधिकरण पुणे में, तो उस वक्त जो भी हमारे लैब टेक्नीशियन थे और जो मेरे सहकारी थे उनकी मदद के द्वारा, जो कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे एमडी के, उनके द्वारा मैंने बहुत बढ़िया वीडियोस बनाए हैं प्रैक्टिकल के बारे में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में। कृपा करके मेरे आयुर्वेद एकेडमी चैनल में, ये चैनल सबके लिए है, ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए है, ये प्रोफेसर के लिए है, ये पेशेंट्स के लिए है, ये डॉक्टर्स के लिए है, और ये सर्वसामान्य जन के लिए भी है मेरा चैनल। हाँ, तो कृपा करके ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एस्टिमेट ब्लड ग्रुपिंग, आप तो जानते हैं ब्लड ग्रुप कैसे हैं, ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल ब्लड डोनर, देन ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ये 12th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है। लाइन स्टाइनर्स लॉ बोलते हैं, जानते हैं थोड़ा थोड़ा, और आर एच रिसेस फैक्टर बोलते हैं ना, आर एच पॉजिटिव एंड आर एच निगेटिव, तो मतलब हो गया ए प्लस ए निगेटिव, बी प्लस बी निगेटिव, ए बी प्लस ए बी निगेटिव, ओ प्लस ओ निगेटिव। देन आता है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, ये देखिए यहाँ पर नॉन लेक्चर्स के कितने आपको कितना काम करना पड़ता है। हाँ, प्रकृति परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी हरेक की जो प्रकृति है, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारे जो मानस, हमारे जो कंडीशंस है, वो अलग अलग रहते हैं, तो वो हमारे जो बायो एनर्जीज जो दोष बताए हैं, वात पित्त कफ, उसकी प्रिडोमिनेंस, हमारी शरीर में वात ज्यादा है तो हम बोलेंगे वात प्रकृति है, पित्त ज्यादा है तो बोलेंगे पित्त प्रकृति है, कफ ज्यादा है तो बोलेंगे कफ प्रकृति है। तो सिंगल दोष जो प्रकृति, देन ड्यूएल वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये किसके द्वारा उसके निश्चितीकरण किया जाता है, एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, हम उसके कुछ एनाटॉमिकल पॉइंट्स देखते हैं, फिजियोलॉजिकल पॉइंट्स परीक्षण करते हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स का परीक्षण करते हैं, और प्रकृति डिटर्मिनेशन करते हैं। ये सारता परीक्षण किस लिए काम आता है, जो हीन सारता मध्यम सारता है तो हम उसको टॉनिक देंगे। हाँ, मतलब हमारा हीमोग्लोबिन कम है तो हम क्या करेंगे, हिमेटिनिक देंगे, है ना, लोहा सब ताप्यादि लोहवटी देंगे। उसी तरह जब हमारी प्रकृति हमको पता चलती कि मैं पित्त प्रकृति वाला आदमी हूं, तो उसके हिसाब से मेरी जो जीवन शैली है वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मेरी खान पान, मेरी रहन सहन,
मतलब मैं पित्त प्रकृति वाला हूं, मेरी उष्ण प्रकृति है, तो मेरे को उष्ण चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, स्पाइसी फूड मेरे को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। दोष वृद्धि क्षय परीक्षण, हर एक वात पित्त कफ का हाइपर एक्सेस एंड लो, दैट इज डेफिशिएंसी के कुछ लक्षण बताए गए हैं, उसी के अनुसार आपको एग्जामिनेशन करना है। परीक्षण का मतलब एग्जामिनेशन। उसी तरह धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनकी वृद्धि और क्षय एक्सेस एंड डेफिशिएंसी का परीक्षण करना है। उसके बाद आता है नाड़ी परीक्षण, पल्स एग्जामिनेशन। मॉडर्न तरीके से जो पल्स एग्जामिनेशन है, ये देखिए यहां पर लिखा है पल्स एग्जामिनेशन, इसका बेहतरीन वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने बनाया है। तो यह वीडियो इतना बेहतरीन है कि उसको लैक्स एंड करोड़ में लोग उसके व्यूज मिले हैं, उसको लोगों ने सराहा है। उसके बाद WBC व्हाइट ब्लड सेल का एस्टिमेशन, हाँ सफेद पेशी जो है, आप तो जानते हैं सफेद पेशी का प्रमाण हमारे शरीर में 6,000 to 11,000 रहता है, 4 to 11,000, 4 to 11,000 पर क्यूबिक mm। ज्यादा बढ़ गए, जब इंफेक्शन हो जाता है तो ये ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। RBC एस्टिमेशन, रेड ब्लड सेल एस्टिमेशन, जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है, इसकी एनीमिया की हम मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। देन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट एस्टिमेशन, डिफरेंशियल मतलब ये सफेद पेशियां, उनके पांच प्रकार तो आप जानते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये हमें लिशमन स्टेनिंग करने से पता चलता है। हमारी जो ब्लड है वो ड्रॉप स्लाइड पर लेकर उसकी स्मियर बनाना है, और उसमें लिशमन स्टेन डालने के बाद ये आपको न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल का पता चलेगा। मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, हाँ ये मराठी में मेरे 3-4 पार्ट्स का वीडियो, बहुत बेहतरीन वीडियो है, मेरे आयुर्वेद एकेडमी चैनल में प्रोफेसर प्राध्यापक डॉक्टर देश पांडे ने बनाया हुआ ब्लड प्रेशर का वीडियो आप जरूर देखिए। देन पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, दो प्रकार के रहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो मापने के लिए अभी डिजिटल BP अपरेटस आ गए हैं, पुराने जमाने में स्मिग्मो मैनोमीटर मर्क्यूरी वाला था, अभी मर्क्यूरी का ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते लोग। उसके बाद ये नॉर्मली इट शुड बी 120/80 mm ऑफ Hg, सिस्टोलिक जो है वो 120 mm ऑफ Hg, डायस्टोलिक 80 mm ऑफ Hg, है ना। और उसमें ज्यादा बढ़ गया उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। परफॉर्म द प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे करेंगे, ये भी मेरा वीडियो बेहतरीन है, आप कृपा करके देखिए ये वीडियो। परफॉर्म द प्रोसीजर इंस्पेक्शन ऑफ द हार्ट साउंड्स, देन लब डब है ना, ये अग्नि परीक्षण, डाइजेस्टिव फायर हमारा कैसे जांच करता है, मंदाग्नि है या तीक्ष्णाग्नि है या मध्यमाग्नि है। वात के द्वारा होता है विषमाग्नि, पित्त के द्वारा होता है तीक्ष्णाग्नि, बहुत भूख लगती है, हाँ कफ प्रकृति का होता है मंदाग्नि। कोष्ठ परीक्षण जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ आवर इंटेस्टाइन्स, वो कैसे हैं, मतलब विरेचन जो परगेटिव देने पड़ते हैं, जिसका क्रूर कोष्ठ हो, नॉन सेंसिटिव, उसको स्ट्रॉन्ग परगेटिव देने पड़ेंगे। किसका, कई लोगों का क्या होता है, कुछ इधर उधर खा लिया तो जुलाब चालू हो जाते हैं, लूज मोशंस होते हैं, तो उसको बोलते हैं मृदु कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ। उसके बाद आता है यूरिन एग्जामिनेशन, हाँ उसके ज्यादातर 5 फिजिकल टेस्ट करनी है, 5 केमिकल टेस्ट करनी है, जैसे कि कलर है, एपियरेंस है, रिएक्शन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है और ओडोर है, ये हो गई है 5 फिजिकल एग्जामिनेशन। और 5 केमिकल है, यूरिन में नॉर्मली शुगर नहीं आनी चाहिए, शुगर आती है तो डायबिटीज की संभावना होती है, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। तो यूरिन एग्जामिनेशन में 5 केमिकल है, अल्ब्यूमिन, शुगर, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कीटोन बॉडीज, ये है ना, ये 5 तरीके तपास नियम करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ESR एंड PCV, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड पैक सेल वॉल्यूम, ऑब्जर्व द प्रोसीजर ऑफ ECG, ECG कैसे निकालना है और इंटरप्रिटेशन भी कैसा करना है, इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने खुद बनाया है, आप जरूर देख लीजिए। परफॉर्म द प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनिंग द क्रेनियल नर्व्स एंड द रिफ्लेक्सेस, ठीक है, इसके भी वीडियो बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूं, कहाँ लेकर जाऊंगा मैं, कि ये प्रैक्टिकल की जो परीक्षा है उस परीक्षा का पैटर्न कैसे होगा। इसके लिए
मेरे को जाना पड़ेगा पेज नंबर 68 के ऊपर। तो डायरेक्टली हम जाते हैं 68 के ऊपर, ठीक है। आगे हम 68 के ऊपर देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स, वायवा 70 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स, टोटल कुल मिला के 200 मार्क्स। उसमें ये 100 मार्क्स में देखिए स्पॉटिंग है, स्पॉटिंग इंक्लूडिंग टू प्रॉब्लम बेस्ड टेस्ट। उसमें हिस्टोलॉजी स्लाइड, अभी देखिए ये बदल हो गया, फिर एक बार बदल हो गया। पहले वाला हिस्टोलॉजी एनाटॉमी में डाला था, अभी फिलहाल उन्होंने फिजियोलॉजी में डाल दिया है। ये पहले वाला जो 2014 में जो CCIM ने बनाया था ना सिलेबस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ भैया। उधर उन्होंने क्या किया था, हिस्टोलॉजी उधर से निकाल कर वो एनाटॉमी में डाल दिया था। अभी फिलहाल उन्होंने बैक टू पेवेलियन जैसे बोलते हैं, बैक टू होम। तो हिस्टोलॉजी स्लाइड्स आ गए यहाँ पर, ECG रिपोर्ट, काउंटिंग द हार्ट रेट आपको आना चाहिए, 300 बाय डिवाइडेड बाय RR, ये सब लिखा है। आपको मेरा वीडियो देखिए कृपा करके, आपको बहुत मजा आ जाएगा। ब्लड रिपोर्ट, नॉर्मल एबनॉर्मल वैल्यूज एंड सिग्निफिकेंस, देन फोटोग्राफ ऑफ प्रकृति कैरेक्टर, प्रॉब्लम बेस्ड सार एंड अग्नि परीक्षण, केस ऑफ वृद्धि क्षय रक्षण, एप्लीकेशन ऑफ वन स्पॉट यूज इन हिमेटोलॉजिकल प्रैक्टिकल, आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स एंड यूज मॉडल बेस्ड एंड ह्यूमन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड। ये सब स्पॉटिंग आपको रखा जाएगा, उसके लिए 10 मार्क्स है। देन आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल कौन सी है, परफॉर्मेंस बेस्ड कंपोनेंट्स, टेक ओनली वन प्रैक्टिकल सेपरेटली और मेक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ मोर देन वन प्रैक्टिकल। आयुर्वेद प्रैक्टिकल में आता है प्रकृति परीक्षण, PRAKRITI, कई जन PRAKRU करते हैं, यहाँ पर PRAKRI प्रकृति परीक्षण। सेल्फ का कर सकते हैं, आपको खुद का करना पड़ेगा, वात पित्त प्रकृति, वॉलेंटियर दिया जाएगा नहीं तो पेशेंट दिए जाएंगे। ये प्रकृति कितने मार्क्स पे देखिए, कितने बहुत है, उसमें सिर्फ प्रकृति नहीं है, उसमें सार परीक्षण और दिया जाएगा, या प्रकृति करने को दी जाएगी या सार परीक्षण करने दिया जाएगा, जैसे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सारता और सर्वसारता, अग्नि एंड कोष्ठ परीक्षण, दोष वृद्धि क्षय रक्षण एंड धातु वृद्धि क्षय रक्षण। इन कुल मिलाकर ये 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको हो जाएगा। देन आता है मॉडर्न का लैब प्रैक्टिकल, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स। उसमें है हीमोग्लोबिन करना है आपको, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम है, ब्लड ग्रुप है, यूरिन एग्जामिनेशन है, ह्यूमन फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल है, जैसे कि पल्स एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर लेना है, हार्ट साउंड आपको देखना है, रिफ्लेक्सेस देखना है 30 मार्क्स के लिए। प्रोजेक्ट वर्क एक्टिविटी बेस्ड, उसके लिए 10 मार्क्स है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आपका जर्नल रहेगा वो, उसके लिए 10 मार्क्स है। वायवा ओसी, जनरल वायवा ओसी बेस्ड ऑन आयुर्वेदा है ना, 20 मार्क्स का। वायवा बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स 20 मार्क्स। स्ट्रक्चर्ड वायवा ऑन पार्ट बी रेफर टेबल 2, इसके लिए 10 मार्क्स है। देन रिसाइटेशन ऑफ वर्सेस, श्लोक पठन करना है आपको, श्लोक पठन करना है, इसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, कृपा करके वो जरूर देखिए, कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक हैं वो इसके द्वारा आपको पता चलेगा। कम्युनिकेशन स्किल 5 मार्क के लिए है, ये टोटल मिलाकर यहाँ पर देखिए 70 मार्क्स हो गए वाइवा ओसी के लिए, और इंटरनल असेसमेंट के लिए 30 मार्क्स है। तो कुल मिलाकर प्रैक्टिकल 200 मार्क्स का हो गया। इसके बाद मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आपको अलग एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, ये देखिए शारीरिक क्रिया विज्ञान का, ये हमारा जो बुक है, राजेंद्र देश पांडे, मैं खुद हूँ, सुभाष रानड़े सर मेरे टीचर हैं, मेरे कलीग हैं डॉक्टर स्वाति चौबे, हमने मिलकर ये बुक लिखा है, इंग्लिश में है, टोटल इंग्लिश में, तो समझने में बिल्कुल आसान है। ये अभी अभी जो मैंने प्रैक्टिकल का आपको सिलेबस बता दिया उसके अनुसार ही ये बुक है। ये बुक आप जरूर 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 खरीदी कीजिए। ये बुक गंगा, ये देखिए बुक गंगा, ई बुक्स, बुक्स डिटेल, इसमें आपको इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा, बिल्कुल मिल जाएगा आपको ये बुक, है ना, हार्ड कॉपी है, ₹160 को, बहुत आसान है। और एक बुक आपको दिखाना चाहता हूँ, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं मराठी भाषी, उनके लिए मेरा ये बुक है, ये देखिए मेरा नाम राजेंद्र देशपांडे और शिवाजी वावर, ये मेरे बहुत ही स्टूडेंट्स, क्यों मैंने उनके फोटो डाल दिए, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स है, ये यूनिवर्सिटी में, पूरे यूनिवर्सिटी में, ये देखिए तेंदुलकर करके स्टूडेंट थी, वो तेंदुलकर जो स्टूडेंट थी वो फर्स्ट ईयर BMS में MUHS में फर्स्ट आई हुई है, सेकंड ईयर BMS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में अगेन शी केम द फर्स्ट थ्रू आउट इन महाराष्ट्र, अगेन इन थर्ड ईयर BMS शी अगेन केम फर्स्ट। दैट्स व्हाई टू गेट द व्हाट यू कैन से द
encouragement from the students, I have put the photos of the students on my book, Sharira Kriya Vijnan Tatyakshik, Pratham Varsha Ayurveda Acharya, Vaidya Rajendra Deshpande Shivaji Bhava, Shantanu Prakashan ka ek book hai. ये देखिए यहाँ पर देखिए प्रगति ऑनलाइन, इसमें आपको ये बुक जरूर मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से शायद आपको आज की वीडियो में मैंने सब बातें खुलकर बता दी है कि BMS न्यू सिलेबस फ्रॉम 2022 फर्स्ट BMS क्रियाचार्य प्रैक्टिकल के बारे में हमने चर्चा की, प्रिपेयर्ड बाय NCISM। ये वीडियो जरूर आपको उपयुक्त होंगे, तो आप ये मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए कृपा करके, उसके बाद बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, तो अलग अलग नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाएगी। हर एक सब्जेक्ट के मैंने ये सिलेबस डिस्कशन करके वीडियो बनाए हैं, वो बार बार देखने से आपके मन में आपको जरूर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा, एंड यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल इन द BMS कोर्स। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द स्टडीज, इन द एग्जामिनेशन, एंड नेक्स्ट आगे चलकर आपकी प्रैक्टिस के लिए भाई मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके साथ ही ये वीडियो हम खत्म कर देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।